मैं ये सवाल हमारी पूरी सोसाइटी से पूछना चाहूँगा, खास तौर से विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट से पूछना चाहूँगा, जिनका इस ताल्लुक से एक बहुत ही फ्यूरियस रिस्पॉन्स नॉर्मली रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप पसंद करते हैं कि कोई औरत विडो हो, डिवोर्सी हो, उसे अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े? क्या आप ये पसंद करते हैं कि औरतों को जिंदा जला करके मार दिया जाए डाउरी की वजह से, या टॉर्चर कर करके उसे अपने हस्बैंड के घर में रहना पड़े? क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में जब पता चलता है कि बच्ची पैदा होने वाले हैं तो बहुत सारे हिडन मेथड्स हैं जिससे कि अबॉर्शन कराकर बच्ची को अवॉइड किया जा सकता है? क्या आप इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करते हैं? तो ये बात सोचिए कि कल कोई भी एक विडो बन सकती हैं। मुझे पता है कि बहुत सी औरतें इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगी, लेकिन ये तो सोचें कि उनकी खुद की बहनें, हमारी सोसाइटी की औरतें, कल उनका भी नंबर उसमें हो सकता है। जब ये हो तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि उन सब के लिए एक नेचुरल सोल्यूशन हो? सारे प्रोपेगेंडा के बाद हम देखते हैं कि आज कंट्री जिस तरह से एडवांस कर रही है, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये सारी बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही हैं। हम देखते हैं कि अबैंडेंड सेपरेटेड औरतों का नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट और बड़ा है, और सर्वेज से पता चलता है कि बहुत सारे लोग हिडन तरीके से पॉलीगमी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब इस चीज़ को रेगुलराइज करें और इसकी अच्छाई को हासिल करें। मैं रेकमेंड करता हूँ गवर्नमेंट को कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से पॉलीगमी के राइट को ख़त्म करने की जगह बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी अलाउ करिए। एक बहुत ही स्ट्रांग मूव होगा, लेकिन इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री, इट इज़ फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री की औरतों के हकूक के लिए है, ये उनकी इज्जत के लिए है, ये उनकी ऑनर के लिए है, जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस से हमें क्लियर प्रूफ दिख रहा है। इस चीज़ के ताल्लुक से मैं इनकरेज करता हूँ कि ये बोल्ड स्टेप अच्छाई की तरफ लिया जाए और ये डिस्पैरिटी, जो डिफरेंस अलग अलग धर्मों में हमारी कंट्री में आज है मौजूद, इसे ख़त्म किया जाए एक पॉजिटिव तरीके से। थैंक यू वेरी मच। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।